Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you? Hope you will be fine, inshallah. Okay, now we are going to start our unit number 3, lesson number 1. Now open your page number 27. Unit number 3, lesson number 1. And the topic is A Polar Explorer. कुतुब शमाली का एक तलाशकार. ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2 जो है वो हमारा स्किप है, ये हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, हम लोग इंशाल्लाह रीडिंग करेंगे और इनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो सारा वर्ड नोट डाउन करवाऊंगी. ठीक है, आज हम लोग इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, रॉल्ड अमंडसन वाज बोर्न इन नॉर्वे इन 1872. कि रॉल्ड अमंडसन 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए. एज अ चाइल्ड ही रीड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. बचपन में ही उन्होंने मशहूर बरतानवी तलाशकारों के बारे में पढ़ा. He joined as many sports teams as he could and slept with his windows wide open. Despite the freezing cold Norwegian winters, so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. वो खेलों की जितनी टीमों में शामिल हो सकते थे होते रहे और नॉर्वे की ठरठरा देने वाली सर्दियों में भी खिड़कियां खोलकर सोते रहे, ताकि अगर इन्हें तलाशकार बनने का मौका मिले तो वो तंदुरुस्त, ताकतवर और तैयार हों. अमंडसन्स फैमिली वर्क इन द शिपिंग इंडस्ट्री, बट हिज मदर वॉन्टेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लिफ्ट एट सी, सो शी एनकरेज्ड हिम टू बी अ डॉक्टर. अमंडसन का खानदान बहरी जहाजों की सनत से वाबस्ता था, लेकिन इनकी वालदा चाहती थी कि वो समंदर पर जिंदगी के खतरात से बचे रहे, इसलिए उन्होंने इनके डॉक्टर बनने की हौसला अफजाई की. ही ओबेड हिज मदर्स विशेस व्हाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स. उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिशात की अतात की, जबकि तलाशकारों के बारे में भी पढ़ना जारी रखा. When he was 21 years old, his mother died. Amundsen left university and began his life as an explorer. जब इनकी उम्र 21 साल थी तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया. अमंडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और तलाशकार के तौर पर जिंदगी का आगाज किया. सम ऑफ अमंडसन्स अचीवमेंट्स, यानी अमंडसन के कारनामों में से चंद एक कारनामे जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है. ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन. वो बहरे मुंजमित शुमाली की शुमाल मगरबी गुजरगाह से गुजरने वाले पहले इंसान थे. ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू रीच द साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911. वो 14 दिसंबर 1911 के रोज कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाली पहली मुहिम में शामिल थे. इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल. 1926 में उन्होंने कुतुब शुमाली तक पहुंचने वाली एक कामयाब मुहिम की क्यादत की. ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव रीच्ड बोथ पोल्स. उन्होंने दोनों कुतुबैन पर पहुंचने वाला पहला इंसान तस्लीम किया जाता है. इन अर्ली एक्सपीडिशन अमंडसन वॉज पार्ट ऑफ द क्रू. इब्तदाई मेहमान में अमंडसन अमले का हिस्सा थे. ही वॉच्ड, लिसन एंड लर्न सम यूजफुल स्किल्स. उन्होंने देखा, सुना और चंद मुफीद हुनर सीखे. वंस ऑन अ शिप ट्रैप्ड इन आइस, ही ऑब्जर्व हाउ टू डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy.
एक मतबा बर्फ में फंसे हुए एक जहाज पर उन्होंने मुशाहिदा किया कि कैसे डॉक्टर के शिकार करने की महारत ने अमले को ताजा गोश्त फ्राहम किया और इन्हें हारश्ती से महफूज रखा। स्कर्वी इज अ डिजीज कास्ट बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी। इट कैन लीड टू इलनेस, द लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। हारश्ती एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी दांतों के गिर जाने और खून बहने से मौत वाकया होने का बायस बन सकती है। When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, जुआ। जब इनकी उम्र 28 साल थी तो अमंडसन अपनी जाती बहरी जहाज जुआ के साथ मेहमात के कायद बन गए। द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फॉर्म म्यूजियम इन ओस्लो। ये जहाज आज भी ओस्लो के फॉर्म अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Jua on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 से 1906 तक अमंडसन 6 आदमियों के एक अमले को जुआ पर शुमाली मगरबी गुजरगाह में से एक रास्ता तलाश करने की मुहिम पर ले गए। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। शुमाल मगरबी गुजरगाह बहरे ओकियानूस से बहरुल काहिल तक बहरे मुंजमिन शुमाल के बीच से गुजरते हुए एक समंदरी रास्ते का नाम है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स द एरिया इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। नहायत सर्द दर्जा हरारत की वजह से यह इलाका ज्यादातर वक्त मुंजमिंद रहता है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलो वेसल्स थ्रू। हर साल कुछ वक्त के लिए कनाडा के शुमाल में जमीन के गिर्द जमी हुई बर्फ इतनी टूट जाती है कि कश्तियां जहाज वगैरह गुजर सकें। जुआ वाज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स एंड ओवर द शैलोज एरियाज दैट वुड हैव रेक्ड बिगर शिप्स। जुआ इतना छोटा था कि इनके पानियों में से और अथले हिस्सों में से गुजर सके जो कि बड़े जहाजों को डबो देते। ड्यूरिंग पिक्ड अप इंपॉर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज। सॉरी बेटा, यहां से मैं एक लाइन स्किप कर गई थी, मैं अगेन इसको रीड करती हूँ। ड्यूरिंग द विंटर्स वेन द शिप वॉज फ्रोजन इन टू आइस द क्रू वॉच द इनुइट हू लिव्ड देयर एंड पिक्ड अप इंपॉर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स सच एज यूजिंग डॉग्स टू ट्रेवल बाय स्लेज। सर्दियों के दौरान जबकि जहाज बर्फ में जमा हुआ था, अमले ने वहां रहने वाले इनुइट बशिंदों का मुशाहिदा किया और कुतुब शुमाली में जिंदा रहने के हवाले से अहम मुहारते सीखी, जैसा कि बर्फ गाड़ी के जरिए सफर करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल। दीज वर यूजफुल ऑन लेटर एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल। ये कुतुब शुमाली की तरफ जाने वाली बाद की मुहिमात में मुफीद साबित हुई। अमंडसन आल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वियर विच वर मच वार्मर देन द वुलन क्लॉथ्स ही हैड। अमंडसन ने पहनने के लिए खालें भी जमा कर ली जो कि इनके पास मौजूद ऊनी कपड़ों से कहीं ज्यादा गर्म थी। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज। कुतुब शुमाली तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। फर्स्ट अमंडसन ट्राई टू गो बाय शिप बट इट गॉट स्टक इन आइस। पहले अमंडसन ने बैरी जहाज के जरिए जाने की कोशिश की मगर ये बर्फ में फंस गया। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव हिज गोल एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय प्लेन। उन्होंने इन्हें अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ा और उन्होंने हवाई जहाज के जरिए सफर करने का फैसला किया।
Their first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. 1925 में की जाने वाली पहली कोशिश पुरखतर और नाकाम थी. Finally, in 1926, Amundsen made it to the North Pole. Three other people claim separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. बिलाहिर 1926 में अमंडसन कुतुब शुमाली पर पहुंच गए. तीन और लोगों ने अपनी अपनी जगह पर अमंडसन से पहले कुतुब शुमाली पर पहुंचने का दावा किया, लेकिन इन सब की सदाकत पर सवालात उठाए गए हैं. अमंडसन स्किल्स एंड प्रिजर्वेंस मेड हिम द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम दैट ही हैड बीन टू द टू बोथ पोल्स. अमंडसन की महारतों और इनकी साबित कदमी ने इन्हें यह दावा करने की अहलियत रखने वाला पहला शख्स बनाया कि वह दोनों कुतुब बैन पर कदम रख चुके हैं. ही सेड दैट हिज सक्सेस केम फ्रॉम प्रॉपर प्रिपरेशन एंड हैविंग द एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट. उनका कहना था कि इनकी कामयाबियां दुरुस्त तैयारी करने और दुरुस्त साजो सामान मुहैया करने की बदौलत वकूफ पजीर हुई. ही सेड Victory awaits him who has everything in order. उन्होंने कहा फतह इसकी मुंतजिर है जिसने हर चीज का दुरुस्त बंदोबस्त कर रखा है. Amundsen wrote about his experiences in his autobiography My Life as an Explorer. Amundsen ने अपने तजुर्बात के बारे में अपनी खुद नोश स्वानिक उमरी यानी एक तलाशकार के तौर पर मेरी जिंदगी में लिखा. One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is a cargo." He pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hills. एक रोज लड़कों में से दो और मैं अरशे पर खड़े थे जब इन में से एक ने बेसाता कहा, वो रहा कुतुबी हिरन. इसने इर्द गिर्द फैली हुई पहाड़ियों में से एक उफक पर नजर आती हुई एक छोटी सी स्याह चीज की तरफ इशारा किया. द अदर मैन हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द थ्री लुक्ड स्टेडफास्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन टर्न्ड टू हिज कंपेनियन एंड सेड दैट कार्बो वॉक्स ऑन द लेग्स. दूसरा आदमी जिसकी नजर तीनों में से सबसे बेहतर थी एक लम्हे तक मुसलसल इस काली चीज को घूरता रहा, फिर अपने साथी की तरफ मुड़ा और बोला, ये कुतुबी हिरन दो टांगों पर चलता है. श्योर इनफ क्लोज स्क्रूटिनी कंफर्म हिज क्विक प्रिपरेशन परसेप्शन दैट दिस वाज नॉट अ कार्गो बट एन एस्किमो. सम अदर टू लेस्ट कारिबोस जॉइंट द फर्स्ट अंटिल फाइव फिगर्स वर आउटलाइन against the sky. Then they advanced toward us in a body. I sent the two boys for their rifles and then the three of us advanced to meet them. I was in the lead and behind me came my little army of two. As the Eskimos neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. यही बात थी. करीब से देखने पर इसकी तेज रफ्तार इदराक की तस्दीक हो गई कि यह कुतुबी हिरन ना था बल्कि एक एस्किमो बशिंदा था. चंद मजीद दो टांगों वाले कुतुबी हिरन पहले के साथ शामिल होते गए, यहाँ तक कि आसमान के पस मंजर में पांच हियोले नजर आने लगे. फिर वो एक साथ हमारी तरफ बढ़े. मैंने दोनों लड़कों को इनकी राइफलें लाने भेज दिया और फिर हम तीनों इनसे मिलने के लिए बढ़े. मैं आगे आगे था और मेरे पीछे पीछे दो अफराद पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी फौज आ रही थी. जब एस्किमो नजदीक आए तो हम देख सकते थे कि वो कमानों और तीरों से मुसल्ला हैं. दिस बिगेन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन. वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल. सर्टेनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर. However, there was nothing to do but meet them face to face. The two par-
parties proceeded to within about 15 paces and then halted. I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. I then turned to the Eskimos. The leader, seeing this specific move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. I was unarmed and advanced toward them. The Eskimos leader also came out alone. सूरतेहाल नाजुक मालूम होने लगी. हमारे पास ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इनके इरादे दोस्ताना है या मुआंदाना. वो यकीनन जंग के लिए मुसल्लह थे. ताहम इनसे बुलमुशाफा मिलने के सिवा कोई और रास्ता ना था. दोनों टोलियां एक दूसरे से करीबन 15 कदमों के फासले पर पहुंची और फिर रुक गई. फिर मैं अपनी फौज की तरफ मुड़ा और इन्हें हदायत की कि वो दिखावे के तौर पर अपनी राइफल जमीन पर फेंक दें. फिर मैं स्कीमियों की तरफ मुड़ा. ये पुरअमन हरकत देकर इनका कायद निकाली करते हुए अपने पीछे आने वालों की तरफ मुड़ा और एक हुक्म दिया. उन्होंने अपनी कमाने और तीर जमीन पर फेंक कर अतात का मुजाहरा किया. मैं गैर मुसल्ला था और इनकी तरफ बढ़ा. अस्कीमो कायद अकेला आगे आया. इट इज रिमार्केबल हाउ टू एक्यूरेटली टू मेन कैन कम्युनिकेट हु डोंट स्पीक अ वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड हुज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीम्स utterly separated from each other. Expressions of fat, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice can convey a meaning with astonishing accuracy. By these means I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend, and he reciprocated my wish. Soon we were all friends, and I invited them down to our ship. नहायत अजीब बात है कि कैसे दो आदमी जो किसी मुश्तरका जुबान का एक लफ्ज भी नहीं बोलते और जिनकी जिंदगी का पूरा तजुर्बा इन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग किए हुए है, एक दूसरे से मालूमात का तबादला कर सकते हैं. चेहरे के तासुरात, सर की इस्बात और नफी में जुम्बिश, इशारे और आवाज का लबो लहजा मफहूम को हैरान कुन दुरुस्ती के साथ पहचानते हैं. इन जाय की बदौलत मैंने जल्द ही अस्कीमो कायद को कायल कर लिया कि मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूँ, और इसने मेरी ख्वाहिश का मुस्बत जवाब दिया. जल्द ही हम सब में दोस्ती हो गई और मैं इन्हें अपने जहाज पर आने की दावत दी. इन जून 1928 एज 55 अमर्सन वाज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन ऑन अ रेस्क्यू मिशन व्हेन इट डिसअपीयर्ड. अमर्सन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन. जून 1928 में 55 साल की उम्र में मनसन किसी को बचाने के मिशन पर एक जहाज में सफर कर रहे थे कि ये गायब हो गया. अब मनसन और बकिया अमला फिर कभी दिखाई ना दिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल में डिफरेंस को देखेंगे. ठीक है. नो लैंड मैस, मेनली आइस एंड स्नो, के खुश्की का कोई टुकड़ा नहीं, ज्यादातर जमी हुई बर्फ और गिरने वाली बर्फ. पोलर बियर, सील्स, वॉलरसेस आर नेटिव टू नॉर्थ पोल. कुतबी रिज सेल वॉलरस कुतब शुमाली के मुकामी है. इन द मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशन विच इज अ मैस ऑफ शिफ्टिंग सी आइस, बहरे मुजमिन शुमाली के वस्त में जो कि हरकत पजीर समंदरी बर्फ का एक तोदा है. द आइस कैप इज श्रिंकिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फानी कुतुब सुकड़ रहा है. नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक सूरज की कोई रोशनी नहीं. द सन राइजेज इन मार्च एंड सेट्स इन सितंबर. सूरज मार्च में तलू होता है और सितंबर में गुरूब होता है. सील्स हैव बीन स्पॉटेड एट द नॉर्थ पोल एंड पोलर बियर्स एंड आर्कटिक फॉक्सिस आर समटाइम्स सीन नियर बाय. कुतुब शुमाली में सेल देखे गए हैं और बाज़ औक़ात कुतुबी रीच और मुंजमिन शुमाली की लूमड़िया नजदीक ही नजर आई हैं. वार्मर देन द साउथ पोल बट स्टिल वेरी कोल्ड. कुतुब जनूबी से ज्यादा गर्म लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सर्द. अलर्ट इन द कुक तालुक रीजन नोनावट कैनेडा इज द नियरेस्ट इनहेबिटेड लैंड. इट इज 817 किलोमीटर अवे. कैनेडा के इलाके नोनावट में एक वाकया हिता की कुक
हिस्सा लर्ड नजदीक तीन आबाद इलाका है। ये 817 किलोमीटर के फासले पर है। नेक्स्ट है बेटा द साउथ पोल ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका 1300 किलोमीटर फ्रॉम द सी, समंदर से 1300 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका के बड़े आजम पर वाकया। द लैंड इज कवर्ड इन आइस एंड स्नो 2700 मीटर थिक, जमीन बर्फ से ढकी हुई है और बर्फानी 2700 मीटर मोटी है। नो सनलाइट फ्रॉम मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर तक सूरज की कोई रोशनी नहीं। द सन स्टेज ऑन द हॉरिजन फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक सूरज उफक पर मौजूद रहता है। कोल्डर देन द नॉर्थ पोल, कुतुब शुमाली से जरा सर्द। साइंटिस्ट लिव ऑल ईयर अराउंड द यूएस मॉनसून स्कॉट आइस स्टेशन, साइंस्तान सारा साल यूएस मॉनसून स्कॉट आइस स्टेशन में मौजूद रहते हैं। लिकेंस एंड मॉस कैन बी फाउंड इन सम पार्ट्स ड्यूरिंग समर, मौसम गर्मा के दौरान बाद इलाकों में लाइकन और काई मिल सकती है। जी बेटा।